Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Can you guys hear me? Hello Ankita, good evening. Hello Sakshi, hello Pratibha. Welcome back. Hello Shrimai, hello Harshita. Hello Ayush, good evening Adarsh, hello Soham, hi Namrata, good evening, hello Mahi, hello Firdos. Okay, so we are live now. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं science 2 के chapter 1 की बात करने वाले heredity and evolution. बहुत ही interesting chapter. बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था. अगर आपने इसका वीडियो देखा है सो आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था. कम से कम ये 3 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में और ऑप्शंस के साथ 5 मार्क के लिए आ सकते हैं ये चैप्टर में से क्वेश्चंस. एंड बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल्ड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. यानी कि इसके चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत टेक्निकल चैप्टर था. हमने डीएनए के बारे में फिर से थोड़ा जाना था. हमने देखा कि आरएनए ये क्या चीज़ है, हेरिडिटी क्या चीज़ होती है, कैसे हमारे अंदर कैसे कोड्स बनते हैं, डीएनए कोड्स फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, कैसे वो कोडिंग स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे. हमने 3 तरह के आरएनए की बात की थी यहाँ पे. हमने फिर यही टॉपिक को दूसरा आगे लेते जाते हुए हमने पढ़ा था कि कैसे जो अलग अलग लोग इससे जुड़े हैं उनको नोबेल प्राइज मिल चुके थे एंड कैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो आज की तारीख में हमें कोई काम की नहीं है. फॉर एग्जांपल हमारा विजडम टूथ जो है वो हमें प्रैक्टिकली अभी काम नहीं आता है. वो हो या ना हो हमें कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सो ये सारी बातें हमने देखी थी. फिर हमने देखा था कि इवोल्यूशन क्या होता है. हमने कनेक्ट किया था कि इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन का पूरा एविडेंस क्या है, यानी किस वजह से क्या सबूत हमें मिले हैं जिसके वजह से हमने ये एविडेंस यानी कि ये प्रूफ कर दिया कि इवोल्यूशन हुआ था. सो ये सारी बातें हमने की थी. मैंने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. होप आपने वीडियो ये बहुत पहले देख लिया है. होप आपको अगर नहीं समझा तो आपने फिर से वीडियो देखा है एंड आज के लिए आप प्रिपेयर हो. सो हेलो ऑल. बहुत लोग बीच में, यस थैंक यू अंकिता मुझे बताने के लिए. आई एम ऑडिबल, आई एम फाइन प्रतिभा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? यस चेतन, जेनेटिक कोडिंग के बारे में हमने देखा था. इसके बारे में जेनेटिक कोडिंग का डेफिनेशन, लगता है आपने वीडियो नहीं देखा बेटा. जेनेटिक कोडिंग का डेफिनेशन ऐसा कोई सिंगल वर्ड में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ. जेनेटिक कोडिंग पूरा एक कितना बड़ा प्रोसेस है आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जरूर वीडियो देखे बेटा. मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपके बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर डीएनए है और वो डीएनए के अंदर जो जीन्स है, जो जेनेटिक कोड की आप बात कर रहे हो, वो कैसे हमारे अंदर आए हैं. ये बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा, ये कोई एक 2 लाइन में आपको नहीं बोल सकता अभी. प्लीज एक बार वीडियो देखिए. थैंक यू सो मच फिरदोस, थैंक यू सो मच. हार्ड, यस हार्ड है ये चैप्टर, लेकिन मैंने बेटा बहुत ही सिंपल से बनाया हुआ है. अगर आपने वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिलीव मी, गारंटी है मेरी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड डैश. तो सबसे पहले डार्विन जी की किताब जो उन्होंने पब्लिश की थी उसका नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहां पे. यस ऑफ कोर्स, अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आपने चैप्टर समझ लिया है तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है. बस हार्ड इस तरफ से मैं बोलूंगा कि टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड से एक बार अगर आपने पार कर लिया उस चीज को तो आप इससे मतलब बहुत सिंपल चैप्टर हो जाएगा आपको ये. यस कम ऑन जल्दी फास्ट बताइए. ओके श्रीमई ए बोल रही है, श्रीमई. एंड साक्षी डी बोल रही है एंड तो साक्षी, अंकिता एंड नम्रता. सो साक्षी एंड अंकिता एंड नम्रता इन्होंने सही जवाब दिया स्टार्टिंग के 3
बाकी श्रीमयी जी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर। ओके श्रेया वर्मा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने वीडियो देखा हुआ है ये, फिर भी अगर आपको नहीं समझा है तो एक बार रीडिंग करिए चैप्टर को और वीडियो देखिए पार्ट पार्ट में, यानी कि एक एक पेज जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं आप तभी वीडियो पॉज करिए, टेक्स्ट बुक रीड करिए और उसको उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उसको तीन चार बार रीड करें। रीड करने का मतलब सिर्फ एक बार दो लाइन रीड करना नहीं होता बेटा, रीड यानी उसको समझते हुए जाना कि ये बात सर ने अभी जो बोली वो बात मुझे टेक्स्ट में पढ़ के समझ में आती है कि नहीं। ओके तो वो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्निक। ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज गाइज, बहुत लोग ने गलत ऑप्शन दे दिया, डी आंसर है, ए नहीं है, डी आंसर है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब का नाम है, बहुत लोग ने गलत आंसर दे दिया। सो ध्यान दीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एंड मैं नहीं चाहता हूं कि आप रॉन्ग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स थ्रू डैश वॉज गिवन बाय जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टैटम। तो किस चीज का प्रोटीन सिंथेसिस किस चीज का होता है वो इन दो भारतीयों ने बताया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी आंसर है, अगेन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये बड़े आसानी से आएगा। यस युवराज, अगर आपने डी आंसर दिया तो वेरी गुड बेटा। ओके नेक्स्ट आंसर दीजिए अभी। नम्रता सेज जीन्स, विनय सेज जीन्स, अंकिता सेज जीन्स, ओके सभी लोग को ये आंसर पता है, मतलब वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड का आंसर ए है, जीन्स इज द करेक्ट आंसर। जीन्स का प्रोटीन सिंथेसिस से ये होता है, ये पूरा इन दोनों ने बताया था, इसीलिए इसने अंदर हमने टॉपिक में पढ़ा है जेनेटिक कोडिंग के बारे में, ए इसका आंसर है, याद रखिएगा सब लोग। रामकृष्ण हाय, आपने मुझे पहले हाय बोला था, मैंने शायद वो देखा था बट मैं बोल नहीं पाया था, हाय हाय हाय। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमने देखा था आरएनए के तीन प्रकार, उसमें से एमआरएनए, यानी एमआरएनए मतलब कौन होता है, मैसेंजर आरएनए जो है उस तक डीएनए मॉलिक्यूल से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं। बहुत बहुत सिंपल आंसर, अगर आपने वीडियो देखा है आपको यह आंसर तुरंत आ जाएगा, अगर आपने वीडियो देखा है आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत तुमने मुझे आंसर दे दिया। साक्षी का मुझे सबसे पहले दिख रहा है, प्लीज अपना क्वेश्चन नंबर, सब लोग ऑप्शन के साथ सिर्फ ऑप्शन मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, बहुत लोग के आगे पीछे आता है, ठीक है। 3C ट्रांसक्रिप्शन, 3C, वेरी गुड। तो सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है जब पहली बार डीएनए मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आरएनए एमआरएनए को अपना कोड बताता है, उस चीज के ट्रांसफर को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, यानी स्क्रिप्ट की तरह लिखा जा रहा है। मैंने बहुत अच्छा डायग्राम पूरा बना के दिखाया, मैंने बहुत सारे इमेजेस इस्तेमाल किए हैं, प्लीज एक बार ये वीडियो देखिएगा। श्रीमय बेटा आपका आंसर ये रॉन्ग हो गया बेटा, ध्यान रखिए। एंड हेलो हेलो अंगद, हेलो हेलो। सो इसका आंसर थर्ड का आंसर सी है, याद रखिए सब लोग प्लीज। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, इवोल्यूशन मीन्स डैश, तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, हमने देखा था इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं मुझे आंसर दिख गया। अंकिता जी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रेजुअल चेंज। युवराज, अंकिता एंड साक्षी ने सबसे पहले दिया, नम्रता, श्रीमयी, नेक्स्ट उसके ऋतुजा एंड पायल दुबे भी, वेरी गुड, एंड प्रतिभा, वेरी गुड वेरी गुड। जो सभी ने ये आंसर सही दिया, इसका सही आंसर है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल यानी जो स्लोली धीरे धीरे आपके अंदर जो चेंजेस आते जा रहा है, हमने पूरा ये चैप्टर का वीडियो में देखा था कैसे स्लोली हमारे अंदर चेंजेस आते गया, राइट, उसे ग्रेजुअल, ये वर्ड को क्या कहते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारे बॉडी में वो कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, आपको पता होना चाहिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। सो बताइए कौन सा हमारे अंदर, कौन सा हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है जो प्रूफ है इस बात का, ये बात का प्रूफ है कि इवोल्यूशन हो चुका है हमारे अंदर। वेरी गुड, क्या बात है श्रेया जी, जा रहे हो आप, ओके आई होप बाद में ये वीडियो देखे आप, ओके ईशा जी हेलो ईशा, न्यू स्टूडेंट आई थिंक, ईशा, युवराज, ऋतुजा का मुझे सबसे पहले तीनों लोग का दिख रहा है, नम्रता एंड श्रीमय भी, सभी सभी ने सही आंसर फिर से दिया है। अपेंडिक्स यानी कि ऑप्शन बी, अपेंडिक्स जो होता है वो प्रूफ है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि अपेंडिक्स का एज अ ह्यूमन हमें कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स में उन्हें काम आता है, दूसरे एनिमल्स में वो काम आता है, उनको डाइजेशन में हेल्प करता है, फाइबर वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके याद रखिएगा, ये क्या है सेकंड बेटा, माही बेटा सेकंड नंबर पे देखो कैसा है ना, सबका नेटवर्क अलग है, ओके और कैसा है ना मुझे लाइफ, मतलब ये इनका जो भी नेटवर्क कैसे चलता है आई डोंट नो, मुझे जो पहला तीन नाम दिखता है ना मैं जनरली वो बोलता हूँ, ठीक है। सो डोंट, ऐसा मत ये करो कि आपको आपके इसमें आपका सेकंड दिख रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इंपॉर्टेंट थिंग इज सही आंसर देते जाओ खाली, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ सभी के नाम बोलता हूँ कि नहीं, सो डोंट यू नो गेट इन टू दैट फर्स्ट सेकेंड, हमें राइट आंसर देना है। द एज ऑफ मटीरियल्स डिटरमाइंड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल नेम डैश, तो जो मटीरियल्स की एज है ये हमने देखा था यहाँ पर कि हमने कार्बन डेटिंग मेथड देखा था, तो ये सब कौन से जर्नल के अंदर आता है। हेलो ईशा, वेलकम टू द चैनल, न्यू स्टूडेंट, यस थैंक यू सो मच ईशा, हाय सुजल, जैनम जी बाय बोल रहे हैं, जैनम जी आपने आंसर नहीं दिया, एक भी जा रहे हो आप तो उससे ना जाओ, ओके ऑप्शन, हेलो केशव, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन अंगद जी फिफ्थ का आंसर पहले दे रहे मुझे, और सिक्स्थ फिफ्थ का ए नहीं था बेटा, आपने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा क्या, एंड हाँ ऋतुजा इज रोहित, मुझे याद आया, ओके रोहित बड़ा बुरा मान जाते हो यार, आपकी मम्मी का नाम ही होगा ना, बी प्राउड, ओके सिक्स्थ सेवेंथ नंबर क्यों लिखा है आपने, क्वेश्चन नंबर सही लिखिए। सो सिक्स का आंसर सी है, रेडियो कार्बन, मैंने आपको एक तरह से हिंट दे दिया था कि कार्बन डेटिंग मेथड इस्तेमाल किया था, रेडियो कार्बन नाम की जर्नल है, इसके अंदर ये चीज होती है, ओके सो मैक्सिमम लोग ने सही आंसर दिया, कुछ लोग ने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, द कैजुअलिटी बिहाइंड सडन चेंजेस वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू डैश प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगो ड्यूब्रिस, तो जो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आते जा रहे हैं, इसके पीछे का ये प्रिंसिपल, ये चीज ह्यूगो जी ने दिया था, सो ये क्या क्या था, वो कौन सा प्रिंसिपल था, किस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल आंसर एक्चुअली, ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। आयुष कह रहे हैं सॉरी कल मेरा मैथ्स वन है, ओके कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट आयुष फॉर योर मैथ्स वन पेपर, एंड बाद में रिविजन देख लेना ये। इंडियन ट्रेडिशन अपना अलग ही चले जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बहन का नाम है ना, तो ठीक है, बहन का नाम आपको अच्छा नहीं लगता क्या, ओके आंसर दीजिए, वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, डी डी डी, वेरी गुड, डी सेवन डी सेवन डी सेवन डी, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, द डैश मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 ईयर्स अगो, तो हमने देखा था इसमें लास्ट में एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने अलग अलग इवोल्यूशन एज के हिसाब से देखा था कि इंसान कैसे कैसे एज में कैसे कैसा होके इवॉल्व होके बना, पूरा अच्छा खासा फोटो था, बहुत अच्छा सा इसके अंदर। सो यहां पे पूछे 50,000 ईयर्स अगो कौन इवॉल्व हुआ था, ऋषिकेश जी एक ही दो बार आप अगर आप आंसर लिखोगे तो काफी होगा, ओके सबसे पहले मुझे नम्रता का आंसर दिख रहा है, फिर मुझे माही डी कह रही है, माही बेटा रॉन्ग आंसर, डी आंसर नहीं है, ओके विनय, नम्रता एंड रोहित
रोहित हर बार लेके जा रहा है, भाई रोहित भाई रोहित इतना ऑफेंड मत हो जाओ यार। करेक्ट आंसर, बहुत लोग ने गलत गलत ऑप्शन दे दिया यार, क्या कर रहे हो। ध्यान दीजिए, लगता है किसी ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, बहुत ही कंफ्यूजन कर दिया है। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपको जब बहुत सारे टेक्निकल चीज याद रखना कंपलसरी हो जाता है तो आपको कोई भी वो चीज लिख लिख के याद करनी है। सिंपल सी बात है, याद रखो कोई भी चीज लिख लिख के पढ़ी जाती है, उसको अगर मेमोराइज करना है आपको तो उसको लिख लिख के किया जाता है। तो प्लीज प्लीज आप ये जितने भी हमको एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग थे, मॉडर्न मैन बोलो, क्रो मैग्नो बोलो, या होमो सेपियंस सेपियंस बोलो, या जो भी अलग अलग थे नियंद्रथल्स से, सबका अच्छे से एज ग्रुप लिखिए और एक चार्ट जैसा बना के पढ़िए ताकि आप याद रख सके। इसका सही आंसर ए था, क्रो मैग्नोन करके मैन जो था वो बहुत ही फास्ट रेट में इवोल्यूशन हुआ था, अफ्रीका एशिया एंड यूरोप ये जगह पे ये पाया गया था। ओके सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। अबाउट 10,000 years ago, डैश स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो अब एकदम सिंपल, किसने 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया? बहुत ही इजी आंसर है ये, इसका हमने टेक्निकल नाम ले लिखा है, इसका हमने जो कॉमन नाम है वो लिखा हुआ है। युवराज जी आपने मेरा मेथड फॉलो किया है, वेरी गुड बेटा। हर्षिता जी जीन किसका आंसर दे रही है? मेरा नाम है कृष्ण, कृष्ण वाड़ेकर, लास्ट में आपको देखने मिलेगा नाम। अंगद जी क्या हुआ, इग्नोर क्या हुआ, इग्नोर किसको कर रहा हूं मैं, किसी को इग्नोर नहीं कर रहा यार। ओके साक्षी जी ने आंसर अपना हटा दिया जबकि वो सही आंसर था। तो श्रीमय का पहला आंसर दिख रहा है, युवराज का दिख रहा है, फिर रोहित का गलत आंसर है, सही आंसर है विनय, श्रीमय, युवराज स्टार्टिंग में दिख रहे, ऋषिकेश एंड राज, ये लोगों ने कुछ लोगों ने गलत दे दिया। करेक्ट आंसर है बी, वाइज मैन, होमो सेपियंस सेपियंस गाइज, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उन्होंने चालू किया था, ये लोग ने कैटल रेयरिंग करना चालू किया था, कल्चर डेवलप किया था, सिटी सिविलाइजेशन सेटल्ड लाइफ चालू कर दिया था, होमो सेपियंस सेपियंस द वाइज मैन, 10,000 साल पहले हम फॉर्म हुए थे, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर था वाइज मैन। प्लीज प्लीज सभी लोग अच्छे से ये चैप्टर में आपको एडवाइस करूंगा, फिर से रीड करिए, नोट्स बनाइए एंड हो सके तो फिर से वीडियो देखिए आपको अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो, वरना रीडिंग नॉर्मल टेक्स्ट बुक रीडिंग करिए अच्छे से। टेंथ क्वेश्चन देखेंगे, डैश कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन। तो अभी वाइज मैन का पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। वाइज मैन का पहला, हम पहला होमोसेपियन, होमोसेपियन सेपियन सेपियन का मतलब स्मार्टनेस के लिए हम लोग ने वर्ड यूज किया हुआ, वाइजनेस के लिए यूज किया हुआ, तो किसको हम कंसिडर कर सकते हैं पहला, बताइए। बहुत सिंपल आंसर है अगेन, मैं बेटा मुंबई से बिलोंग करता हूं बेटा, ये सब क्वेश्चन आप बाद में पूछ सकते हो, अभी आप आंसर दीजिए। ओके मुझे आंसर क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, किसी ने 10B अंकिता बोल रही है, विनय 10B बोल रहा है एंड युवराज जी ने डी बोला है। ओके सर प्लीज रिड्यूस पोर्शन करो, यस पर पार्थिवी 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 रिड्यूस पोर्शन है बेटा, कंफर्म है बेटा, उसमें कोई शंका नहीं है, 25% रिडक्शन के वीडियोस मैंने बनाए हैं देख लीजिएगा। साक्षी ने बोला डी, श्रीमय ने बोला डी एंड सुजल रोहित। ओके तो बहुत लोग ने फिर से रॉन्ग आंसर दिया, करेक्ट आंसर है डी गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर। नियंद्रथल्स बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें हम पहला वाइज मेंबर वाइज मेन का मेंबर मानते हैं। ये लोग अपराइट चलना सीखे थे, इनका ब्रेन एनलार्ज हो चुका था और अच्छी तरह से इनका ब्रेन डेवलप हुआ था और इन्होंने ही फायर यूज करना चालू किया था करीब 1,00,000 साल पहले, अफ्रीका एशिया यूरोप में इनके शव मिले गए थे। याद रखिएगा गाइस, ये मैं आपको सारी बातें फिर से थोड़ी थोड़ी बोलते जा रहा हूं मैं, ताकि आपका ये वीडियो देख के थोड़ा सा वो रिवीजन वैसा ही हो जाए, क्योंकि आप लोग थोड़े रॉन्ग आंसर दे रहे हो। सो प्लीज ध्यान दीजिए गाइस, ध्यान दीजिए।
राज जी आपका नाम लिया जाएगा, बार बार लिया जाएगा अगर आप आंसर देते रहे। चलिए, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो हमने ये आगे के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा, ओके, और ये पहले ही हमको पूछ लिया गया था कि क्या वो लिंक है, एनिलिडा जो एनिमल किंगडम के अंदर क्लास है, आर्थ्रोपोडा जो क्लास है, उनके बीच में क्या लिंक है जिसको देखकर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है भैया। चलिए, ये मार्च 19 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, वेरी गुड, क्या बात है, सही आंसर। अंकिता आज बहुत रॉन्ग आंसर दे रहे हो। अंकिता, अंकिता बेटा पढ़ा नहीं आपने क्या? युवराज जी कहते हैं बी, नम्रता कहती है बी, साक्षी बी, राज कह रहे ए। राज आपका आंसर रॉन्ग है बेटा। विनय बी, क्रिश बी, हेलो क्रिश, पार्थिवी बी, वेरी गुड, बाकी सभी ने आंसर राइट दिया है। द करेक्ट आंसर इज बी, पेरिपेटस। ये लिंक हो गया एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इनके अंदर दोनों की सिमिलैरिटीज हमने देखी थी, दोनों चीज का सिमिलैरिटीज हमने देखा था, जिसके वजह से हमने उन्हें लिंक के अंदर फीचर किया है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये सारी बात समझ में आएगी कि मैंने कितना आपको उसके अंदर डिटेल में बताया कि सेगमेंटेड बॉडी जो हमने देखा था एनिलिडा के अंदर, एंड ट्रैकिया रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो देखा था आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये दोनों चीजें मौजूद है पेरिपेटस के अंदर। तो ये हमारा लिंक हो जाता है, कनेक्टिंग लिंक, जो हमारा एक एवोल्यूशन का एविडेंस का काम करता है। सो प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, एंड करेक्ट आंसर इज बी। ओके, 12th क्वेश्चन देखेंगे, 12वां सवाल आपके सामने ये रहा। डैश 1000 years ago द ह्यूमन ब्रेन वॉज सफिशियंटली इवॉल्व टू कॉल हिम वाइज मैन। तो आप कह रहे कितने हजार साल पहले की बात है कि हम कह सकते हैं कि इंसान का दिमाग उतना डेवलप हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है कि हम उसे वाइज मैन कह सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर, स्टडी क्यों नहीं किया बेटा, पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से स्टडी करके खत्म करो अभी इसको, ठीक है, स्टडी कर लो इसको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं मुझे। नम्रता जी ने इस बार रॉन्ग आंसर दे दिया, जनरली नम्रता जी का फर्स्ट आंसर होता है। करेक्ट आंसर जो कि बहुत लोग दे रहे हैं, दैट इज ए, 50,000 years ago, 50,000 years ago इज द करेक्ट आंसर, 50,000 years ago इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 50,000 years ago। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट देखेंगे 13th क्वेश्चन। The process by which the gene in the nucleotide suddenly changes its position is called dash. तो ये कौन से प्रोसेस का नाम है, ये कौन से प्रोसेस का मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखा है आपको बताना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, अगर आपने आरएनए वाला टॉपिक जो है चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा है या मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा कि इसे क्या कहते हैं। देखिए, चेंज हो गया, पोजिशन चेंज हो गया, तो ये चीज कहां हो गई थी, चलिए ये आपके बोर्ड एक्टिविटी शीट में भी दिया है, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ने इसमें भी गलत आंसर दे दिया, या मुझे पता नहीं वो लोग डी लिखने जाते बी लिख देते या बी लिखने जाते डी लिखने जाते, मैं सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। करेक्ट आंसर इज डी, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, डी म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर, म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर। सो इसी को म्यूटेशन कहते हैं, जो चेंजेस आ जाते हैं ना पूरी तरह से बॉडी में, जैसे कि अचानक से ब्लैक हेयर आ रहे थे सबके, अचानक से रेड हेयर आ गया किसी का बीच में, तो जितने भी आपको पता है, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी रेड हेड वाले लोग होते हैं, लाल बाल वाले लोग जितने होते हैं ना, उनका अगर ट्रेसेस किया जाए तो उनका सबसे पहले कोई एक पर्सन होगा जिसका लाल बाल हुआ रहेगा, और वो सारे के अंदर एक कॉमन जीन आपको मिलेगा। ओके, इजंट दैट एन अमेजिंग थिंग। पूर्वेश जी, एक ही बार आंसर देना है, मैक्सिमम दो बार आंसर देना है, आप बार बार दे रहे हो उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। थैंक यू युवराज, आपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन। डैश इज नॉट
द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या नहीं है बोल रहा हूं मैं, क्या नहीं है। ओके, हेलो अजय, हेलो अजय, हेलो ललिता, ऑर्गन नहीं है मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। वेस्टिजियल ऑर्गन सबको पता है क्या है, वो ऑर्गन्स जो हमें हमारे बॉडी में मौजूद है लेकिन हमारे काम के नहीं रहे, यूजलेस हो चुके हैं। तो कौन सा वो ऑप्शन में से है, वेरी गुड, क्या बात है। नम्रता का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है, नम्रता का आंसर सबसे पहले दिख रहा है। पायल, हमने ऊपर ही अभी डिस्कस किया था बेटा, पायल ऊपर ही अपने अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन ऑलरेडी बोला था, आपने फिर ये कैसे कहा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, और अपनी मिस्टेक याद रखिए खुद से, ठीक है, अपनी मिस्टेक खुद ही याद रखिए, क्या रॉन्ग कर रहे हो। और रॉन्ग करना बुरा नहीं है, याद रखो मेरी बात बच्चों, रॉन्ग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो गलती आपने की उससे अगर आप नहीं सुधरे, अगर आपने अपने आप को करेक्ट नहीं किया, अपनी मिस्टेक याद रख के उससे कोई लेसन नहीं लिया, तो बुरी बात है। ओके, गलती करना बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है सी, कैनाइन। कैनाइन हमारे दांतों को कहा जाता है, हमारे दांतों में आज भी हम है ना ड्रैकुला जैसे दांत होते, दोनों दोनों तरफ होते कि नहीं होते, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से सब समझाया हुआ है, कैनाइन एंड एवरीथिंग, यू नो। सो जानवरों को भी होते हैं, अभी हमें भी होते हैं कैनाइन, चीज़ें चबाने चबाने लाइक खींच के काटने काम आती है हमें कैनाइन, कैनाइन से काटते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब ना मैंने रखा है ट्रू और फॉल्स रखे है, आपको यहाँ पे बताना ट्रू या फॉल्स है, और फिर थोड़ा सा रीजन हम डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। राज, आप पहला पहले में ही मर जाओगे, ऐसे मत करो, पहले मैंने दिया था, पहले मैंने दिया था, क्या कर लोगे, सही आंसर देते जाओ बस, खाली मैं बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे नेटवर्क के हिसाब से जिसका जो पहले दिखता है मैं उसका नाम लेता हूं, तो उसमें भी आप दिक्कत है, पहले दिया था, जब आपका नाम बोला तब तो आपने रॉन्ग बोला था। हेलो अंश, न्यू टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे आपको सारे आपके एसएससी के सभी 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 चैप्टर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के, सबसे बड़ी बात, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड ईजी, इंपॉर्टेंट बात, ईजी कर देता हूँ मैं चीज़ें, ये मेरी क्वालिटी है। सो अंश, आई होप आपको अच्छा लगे, जो भी वीडियो देखो आप कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता पड़े। चलिए बताइए, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ट्रू और फॉल्स का, द मेसोजोइक इरा वॉज डोमिनेटेड बाय अ वेराइटी ऑफ मैमल्स, ट्रू और फॉल्स। चलिए ओके, नाउ सबसे पहले आंसर मुझे युवराज का दिख रहा है, फिर विनय का दिख रहा है, फिर साक्षी मुझे 15th वाला आंसर दे रही, 15th, अच्छा 15th मत बोलो बेटा, 1 बोलो उसको, ट्रू लिखा, टी लिखा हुआ उसने। नम्रता फॉल्स, रोहित से ट्रू। ओके सो सबसे पहले तो ये आंसर फॉल्स है, मेसोजोइक इरा के अंदर रेप्टाइल्स का डोमिनेशन था, रेप्टाइल्स का डोमिनेशन था, फॉल्स, फॉल्स आंसर है ये, फॉल्स आंसर है, ट्रू नहीं है, फॉल्स आंसर है ये। ओके याद रखिए सब लोग, मेसोजोइक इरा में रेप्टाइल्स डोमिनेटेड बाय वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ यूजफुल स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर। तो जरा ध्यान दे, क्वेश्चन को जरा तोड़ो बेटा, क्वेश्चन को जरा समझो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूजफुल, यूजफुल वाले जितने भी आपके ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर है, वो डिसअपीयर होने को हजारों साल लगते हैं। तो जरा सोचिए इसके ऊपर, जरा सोचिए, कम ऑन, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एंड प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए, सिर्फ ट्रू फॉल्स मत बोलिए, क्योंकि आधे मुझे ऐसा लग रहा है पहले के लोग आंसर पहले कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं, आई डोंट नो। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए यार, प्लीज 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 क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, ताकि फिर मैं आपका ही वो रॉन्ग ना बोलूं, आपको फिर काफी सबको बड़ा हर्ट हो जाता है मैं रॉन्ग बोल आपको बोल देता हूं। ओके सबसे पहले आंसर है इसका फॉल्स, क्योंकि जरा सोचो कॉमन सेंस है यार, अगर यूजफुल होगा तो वो डिसअपियर ही क्यों होगा, वो तो और इवॉल्व हो जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे, वो तो यूजफुल है ना, तो वो डिसअपियर ही नहीं करेगी बॉडी, जो हमारा यूजफुल नहीं होता है, फंक्शनलेस होता है, वो हमारा बॉडी जो है धीरे धीरे हमारे बॉडी में से डिसअपियर हो सकता है। ओके सो इसका सेकेंड का आंसर भी फॉल्स है, सेकेंड का आंसर भी फॉल्स है।
याद रखिए सब लोग, बार बार मैं कह रहा हूं, फॉल्स आंसर है, बहुत लोग ने ट्रू भी लिखा था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हैज स्पेसिफिक फूड हैबिट इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड। तो ये क्या बात सच है? ये कह रहे हैं कि हर स्पीशीज को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उनका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन कंडीशन होता है और उनकी कुछ आदतें होती है, उनका कुछ खाना पीना होता है, रहना सहना होता है और रिप्रोडक्शन की उनकी एबिलिटी होती है। क्या ये बात सच है? नम्रता का आंसर, अगेन देखो मुझे नम्रता का आंसर दिख रहा है। फिर गायत्री, वेल हेलो गायत्री, कहाँ थे आप? श्रीमयी का दिख रहा है एंड श्रवणी, विनय, वेदांत, शिवेश, अंकिता, सभी ने लाइन से सही आंसर दिया है। ट्रू, वेरी गुड, परफेक्ट, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यस, हर एक स्पीशीज का ज्योग्राफिकल कंडीशंस एक स्पेसिफिक होता है, वो उसी फूड हैबिटेंट और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में रहता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल पोलार बेर है ना, पोलार बेर वो हमें पोलार रीजन्स में ही मिलेंगे, राइट? सो उनका ये आप एग्जांपल से याद रख सकते हो। ट्रू है इसका आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमंस वॉकिंग विद अपराइट पोस्चर वेर कन्फाइंड ओनली टू अफ्रीका ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो अब भी हमने ऊपर बात की MCQs के टाइम पे कि अपराइट पोस्चर वाला कौन था, सीधा चलने वाला कौन था। तो ये बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ, मैंने आपको कंट्रीज के नाम भी बताए थे, कॉन्टिनेंट्स के नाम भी बताए थे, कहाँ कहाँ वो मिले थे। तो ये कह रहा है कि अफ्रीका में ही प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पे मिला था। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, वेरी गुड, बहुत सिंपल आंसर है, अभी हमने ऊपर ही बात की थी, ये तो आपको आना चाहिए था। मुझे विनय का आंसर पहला करेक्ट वाला विनय का दिख रहा है, वेदांत फिर दिख रहे हैं, राज जी आपका थर्ड नंबर पे दिख रहा है, लेकिन रॉन्ग आंसर है बेटा, ट्रू नहीं है आंसर, ये फॉल्स है आंसर इसका, फॉल्स है गाइज इसका आंसर। अभी हमने ऊपर बात की, क्या अफ्रीका सिर्फ अफ्रीका में ही मिला था क्या? कन्फाइंड टू अफ्रीका मतलब ओनली अफ्रीका में ही हमको मिले थे क्या? नहीं, अफ्रीका, चाइना, एशियन कॉन्टिनेंट्स, ये हर जगह पे मिले थे, हर जगह पे मिले थे। आपको ये चीज समझनी है, थोड़ा क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। ये कह रहा था कि क्या सिर्फ अफ्रीका में ही मिले थे हमें, क्या सिर्फ अफ्रीका में ही मिले थे हमें? नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ अफ्रीका में मिले थे। ओके, सो अपराइट मैन जो था, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब जगह पे हमें मिले थे। ओके, सो याद रखिए इसका आंसर फॉल्स था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, जहां पर हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन सब आ चुका है, क्या ये 200 साल पहले ही आई हमारे यहाँ पे? हेलो नियॉन इंटू शिवा, शाउट आउट तब मिलेगा बेटा जब आप आंसर्स दोगे, मैं सामने से दे दूंगा शाउट आउट, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं सबका नाम बोलता हूँ जो जो आंसर करते रहता है। चलिए बहुत सिंपल आंसर है, ये तो ऐसे ही आ जाना चाहिए यार, पढ़ा नहीं रहेगा तो भी आ जाना चाहिए, ये आंसर ऐसा है। वेरी गुड, बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है, ट्रू इज द करेक्ट आंसर, ट्रू इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस, ट्रू आंसर है कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होने लग गया, इंडल्ज करने लग गया अपने आप को, और इसी के साथ हमने डेवलपमेंट करते हुए हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ चुके। आंसर ट्रू है इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन एंड पब्लिकेशन इन द जर्नल रेडियो कार्बन। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हरगोबिंद जी को हमने नोबेल प्राइज दिया था इन्वेंशन के लिए, और उनका जर्नल जो हमने ऊपर देखा, जर्नल रेडियो कार्बन, जिसमें अलग अलग मटेरियल्स का एज लिखा जाता था, उसके अंदर इनका नाम आता था, इसके अंदर उसका यू नो मेंशन होता था, पब्लिकेशन आते थे। तो क्या ये बात सच है कि फॉल्स है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत लोग ने सही इस बार आंसर दे दिया, फॉल्स आंसर है, फॉल्स आंसर है इसका, फॉल्स आंसर है इसका। विलार्ड लिबी, यस वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर, नाम भी लिखा, विलार्ड लिबी जी को मिला गया था नोबेल प्राइज, और उनका
पब्लिकेशंस हुआ था इस जर्नल में जिसका नाम है रेडियो कार्बन। ओके, और आपको पता है हर गोविंद जी को भी नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था कौन बताएगा मुझे? Who's gonna tell me? मैं एक अलग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ हर गोविंद जी को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्या बात है, पार्थिवी जी ने देखो आंसर दे दिया, क्या बात है। ट्वेंटी अमीनो एसिड्स, वेरी गुड। उन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन्स का, ट्रिपलेट कोडॉन का जो पूरा हमने कंसेप्ट देखा, ट्रिपलेट कोडॉन्स का कंसेप्ट उन्होंने, उसके लिए उन्होंने बहुत सारा डिस्कवरी किया था, और 20 अमीनो एसिड्स का उन्होंने हमें ये किया था। वेरी गुड वेरी गुड, ट्रिपलेट कोडॉन, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा। बाय युवराज, सी यू टुमारो, होप ये आप बाद में देख लेंगे रिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। इट सीम्स दैट इनवर्टिब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। तो ऐसा लग रहा है, ये कह रहे ऐसा लगता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो है वो धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स में से आए हैं। तो जरा आप समझिए इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपको ये बता दूंगा जो आपको पता होना चाहिए तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप बताइए मुझे पहले आंसर। ये कह रहा है कि इनवर्टिब्रेट के अंदर से, कि वर्टिब्रेट के अंदर से, ये जरा सोचिए। बैक, मैं आपको हिंट देता हूँ, बैकबोन वाला और विदाउट बैकबोन वाला कौन किस में से इवॉल्व हुआ रहेगा। वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर दे दिया मुझे, लेकिन कुछ लोग ने अगेन पता नहीं क्यों गलत आंसर दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा आंसर था ये, फॉल्स है बाबा। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर भी, ये सारी बात मैंने बोली थी आप लोगों को कि वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। उल्टा नहीं है उसका, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, फॉल्स आंसर है ये। तो याद रखिएगा ये कि स्टार्टिंग में प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स थे वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स में से वो प्रिमिटिव यानी कि स्टार्टिंग में जाता है, राइट। तो याद रखिएगा ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, यानी बैकबोन, विदाउट बैकबोन वाले और बैकबोन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C12, दैट इज कार्बन 12 मेथड जो हमने पढ़ा था, अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कह रहा है कि कार्बन 12 का जो प्रोसेस है वो मरे हुए चीजों में से कंटिन्यू होते रहता है। तो क्या ये बात सच है? C12 कह रहा है ये, कार्बन 12। राज आपका पहला आंसर दिख गया मुझे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा फिर आपको बुरा ना लग जाए, गलत आंसर है आपका बेटा। रोहित का सही आंसर दिख रहा है मुझे, नम्रता, अंकिता रॉन्ग कर दिया अंकिता ने, कंफ्यूजन वाला था यहाँ पे, ध्यान देना था आंसर यहाँ पर। देखिए क्या कंफ्यूज किया गया है उन्होंने C12 लिख के। देखो बच्चों कार्बन का तो 12 ही होता है, कार्बन 14 हमारा आइसोटोप है, कार्बन 12 तो नॉर्मल एलिमेंट है, कार्बन 14 हमारा आइसोटोप है। डिकिंग प्रोसेस ऑफ C14 कंटिन्यूस होता है बेटा, C12 तो रेडियो एक्टिव ही नहीं है, है ना। तो फॉल्स आंसर है बच्चों, फॉल्स आंसर है ये। हमने ये कितनी जगह पढ़ा है कार्बन के बारे में, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने C12 लिखा था, वरना उसे हम कार्बन बेसिकली बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिव ही नहीं है, है ना। यस रोहित, वेरी गुड बेटा, जरा ध्यान दीजिए गाइज, ध्यान दीजिए, बहुत वर्क करने का जरूरत है। मुझे लगता है आज तक का, अभी तक का सबसे ज्यादा रॉन्ग किसी का हुआ तो यही चैप्टर में लग रहा है मुझे। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच मेंशंस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज गिवन बाय लेमार्क। तो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन जो थियरी, उसके अंदर उन्होंने बात की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो ये लेमार्क जी ने दी थी इस थियरी, क्या ये बात सच है? क्या पहली बात आपको पता है क्या नेचुरल सिलेक्शन थियरी लेमार्क ने दी थी क्या? हेलो क्रिश, अब बेटा आंसर करते जाओ, चलो। वेरी गुड, फॉल्स आंसर है, ट्रू नहीं है बेटा, फॉल्स है। पहली बात, ये थियरी लेमार्क की है नहीं, लेमार्क का लेमार्किज्म था। प्लीज आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो फिर से देखिए सब लोग, आपने देखा है तो फिर से देखिए साथ में वीडियो, एक एक चैप्टर नहीं, एक एक पेज जैसे जैसे होते जाता है, एक एक टॉपिक खत्म होता है, तब पॉज करें वीडियो को,
रीड करे अपने टेक्स्ट बुक में, तो ही ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर आपको समझेगा और याद रहेगा। डार्विन का था, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल फिट इज गिवन बाय डार्विन, गाइस डार्विन। चलो टेंथ वाला जो कि लास्ट है, चेंजेस अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। आप कह रहे हैं कि जो आपके लाइफ टाइम में आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, अलग अलग आप जो एक्वायर करते हो, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आंसर है। ये कह रहा है कि मैं अपने लाइफ टाइम में जो चीजें करता हूं वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जरा सोचिए इसके ऊपर, जरा सोचिए, ये इसको जरा समझिए। सीधी सी बात है, फॉल्स आंसर है यार। मैं अगर कोई चीज, मेरा जो कोई टैलेंट डेवलप करता हूँ, स्किल डेवलप करता हूँ, वो मेरे बच्चे में डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। वो चेंजेस डायरेक्ट एक्वायर लाइफ टाइम वाला चीज हेरिडिटी नहीं है, जेनेटिक कोड ही जाएगा, सिर्फ जेनेटिक कोड ही जाएगा। चेंजेस आते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं, याद रखिए। तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, खाली जेनेटिक चीजें ट्रांसफर होती है, जेनेटिक चीजें ट्रांसफर होती है। ओके, फॉल्स है इसका आंसर। सो आई होप आपको, भले देखो रॉन्ग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हो, मजा आया होगा, मजा आना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग होगा तो इसका मतलब आप कुछ सीखे होगे ना, वरना अगर हमेशा सही आंसर दे रहोगे तो इसका मतलब तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे यार कि अरे हमको तो सब आता है, कुछ जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, है ना। तो कभी कभार रॉन्ग भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है आज के साइंस 2 के पहले चैप्टर ने सबको हिला दिया होगा और थोड़े से आपके होश उड़ा दिए रहेंगे और आपको बोला होगा कि भाई अभी भी पढ़ना बाकी है, अभी भी मेहनत करनी बाकी है। ओके, सो लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कोई डाउट्स हो, कोई बात करनी हो, ईमेल करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। हम इसी तरह से बढ़ते रहे, एंड लव यू ऑल, टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। कल हम लोग करेंगे, भूल ही जाता हूँ मैं बोलना, कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट, क्या चल रहा है हमारा, ज्योग्राफी चल रहा है ना, हाँ ज्योग्राफी का जो भी नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो करेंगे, ठीक है। तो देख लेना, फर्स्ट लाइव था ईशा, आई एम ग्लैड आप हमारे साथ जुड़े हैं ईशा, जरूर सारे वीडियोस देखिए बेटा, एंड पढ़िए, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सब लोग रिप्लाई करने के लिए, एंड सॉरी की कोई बात नहीं अंकिता बेटा, देखो मैं बस बोल रहा हूँ आपको, गलती करो चलेगा, लेकिन वो गलती अपनी याद रखो, उससे कुछ सीखो। ओके, आई एम होपिंग टोटल कितने क्वेश्चन थे, 25 आसपास थे शायद से, 24-25 थे शायद से, तो आई एम होपिंग कि कम से कम आपका सबका 18 या 20 अप आया होगा करके, सो आई होप दैट। सो अपना ध्यान रखिए, एंड ईमेल आईडी वगैरह आपने देखा ये स्क्रीन पे मैंने लगाया था अभी, सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, एंडिंग द स्ट्रीम नाउ गाइज़।